यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होगा जब प्रधानमंत्री जी दीपावली और छठ का उपहार काशीवासियों को देने जा रहे हैं। लगभग 2500 करोड़ रुपए की बड़े बड़े परियोजनाएं एक साथ लोकार्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी के धातों यहां पर संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की ही तैयारी की दृष्टि से परियोजनाओं का यहां पर जो प्रोग्रेस है, अभी मैं पिछले सप्ताह भी आया था तो समय भी मैंने देखा था और 12 नवंबर को प्रधानमंत्री जी अपराह्न में यहां पहुंचेंगे। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल काशी में तैयार हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके फर्स्ट फेज के कार्य का लोकार्पण होगा। इसी प्रकार से बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के काशी के बीच तो पहले सिंगल लेन का मार्ग था, 4 लेन का लोकार्पण काशी वासियों को प्रधानमंत्री जी ये उपहार देंगे। रिंग रोड का फर्स्ट फेज का कार्य इसको लोकार्पित करेंगे। एसटीपी बने हैं यहाँ पर और भी ऐसी आईपीडीएस की परियोजनाएं हैं, इन सब का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं और उनके आगमन से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे और रामनगर में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निरीक्षण करने के बाद वो पहुंचे थे उस सभा स्थल पर वाजिदपुर, जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। 2412 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री को देनी है। ये वही सभा स्थल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है, जिसके मद्देनज़र यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं और रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निरीक्षण किया है और उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि 12 तारीख की दोपहर में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात वो अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। डाला छठ और दीपावली का जो गिफ्ट होगा वो उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए होगा और मुख्यमंत्री ने लोगों को दीपावली की बधाई भी दी है। गोपाल मिश्र, ईटीवी वाराणसी।